तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको गाड़ी दिख रही है, मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने पहचान ली होगी ये कौन सी गाड़ी है। जिन्होंने नहीं पहचानी, मैं उनको बता देता हूँ, ये है हमर। एक टाइम पे ये SUV किंग कहलाई जाती थी अपनी इंडस्ट्री में, बट आज के टाइम पे ये मार्केट से गायब है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि SUV किंग कहलाने वाली गाड़ी आज के टाइम पे मार्केट से गायब क्यों है, क्या थे उसके रीज़न, और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, और थोड़े फ्यूचर प्लान के बारे में जानेंगे कि ये इंडस्ट्री में वापस आ सकती है कि नहीं। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, स्वागत है आपके फैक्ट वर्क के इस चैनल में, जहां हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, हमर की शुरुआत हुई थी 1980s में, जब US आर्मी जो है ना, ज़्यादातर जीप की गाड़ियाँ यूज़ किया करती थी, और जीप की गाड़ी थोड़ी छोटी हुआ करती थी, उसमें थोड़े से गन अटैच करने में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी, और लोगों को इधर उधर मूव करने में भी दिक्कत हुआ करती थी। तो US आर्मी ने क्या करा है कि AM जनरल को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जहाँ पर उन्हें एक ऐसी गाड़ी बनानी थी जो काफ़ी बड़ी हो, उसमें ट्रूप्स आराम से ट्रैवल कर सके, और उसमें थोड़े से वेपन भी आराम से लोड करके इधर से उधर यूज़ किया जा सके उसे। तो गाइस, इस गाड़ी का नाम रखा गया हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल, शॉर्ट में HMMWV। तो गाइस, इसी को लेके एक गाड़ी बनाई गई जिसका नाम था हमवी। तो हमवी जो थी काफ़ी बड़ी दिखने वाली गाड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा हॉर्स पावर थी इसके अंदर, काफ़ी पावरफुल थी ये, और काफ़ी भारी भरकम गाड़ी थी। तो आर्मी में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ होने लग गया, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई आर्मी में ये, काफ़ी सारी वॉर्स जो थी अमेरिका की उसमें ये यूज़ की गई, जैसे कि गल्फ वॉर हुई थी, इराक वॉर, इन सब में यूज़ की गई इस गाड़ी को। अब बात करते हैं कि ये एक आर्मी गाड़ी से एक सिविलियन गाड़ी कैसे बनी, क्या थी इसकी जर्नी सिविलियन गाड़ी बनने की। तो आर्नोल्ड, जिनकी मूवी है ट्रांसफॉर्मर्स, और उन्होंने काफ़ी सारी मूवी करी हॉलीवुड में, काफ़ी फेमस एक्टर हैं ये, और काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डर हैं। तो इन्होंने एक बार कैनवॉय देखा अपना, एक मूवी के टाइम पे, जब ये मूवी शूट कर रहे थे उस टाइम पे, इन्होंने कैनवॉय देखा हमर का, और ये सोचा कि इन्होंने कि यार इनको भी एक सिविलियन व्हीकल चाहिए ऐसी। तो इन्होंने AM जनरल को काफ़ी बार इन्होंने अप्रोच किया कि मुझे भी एक हमर चाहिए। तो आर्मी ने इनको दो तीन बार मना कर दिया, क्योंकि ये एक आर्मी व्हीकल थी और ये सिविलियन के लिए सेफ नहीं थी, कि काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी थी ये। बट आर्नोल्ड ने इनको दो तीन बार अप्रोच किया, और एक दो बार इनके हेडक्वार्टर भी गए। AM जनरल ने सोचा क्यों ना यार इसको एक बार सिविलियन वर्जन इसका बना के लॉन्च किया जाए, और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा होता है। तो AM जनरल ने एक स्पेशल गाड़ी बनाई गई सिविलियंस के लिए, जिसका नाम रखा गया हमर। तो ऐसे ये आर्मी गाड़ी से एक सिविलियन गाड़ी बनी, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई अमेरिका में। मतलब किसी भी आप रॉक स्टार को देख लो वहाँ पे, किसी भी पॉप स्टार को देख लो, जो भी रैपर थे, जितने भी NBA प्लेयर्स थे, जितने भी बास्केटबॉल प्लेयर्स थे, वो सारे के सारे इस गाड़ी को बाय कर रहे थे, और ये काफ़ी फेमस हो गई थी उस टाइम में वहाँ पे। मतलब एक लग्जरी का ये एक सिंबल बन गया था वहाँ पे, और बहुत सारे लोग परचेज करते थे USA में। तो इस तरीके से काफ़ी फेमस हुई, तो आम लोग जो थे उन्होंने भी इसको बाय करना शुरू कर दिया, काफ़ी सारी परचेजिंग होने लगी इसकी। और उस टाइम में एक्चुअली में वहाँ के पेट्रोल के प्राइस भी काफ़ी कम थे, तो लोगों ने इसको अफोर्डेबल भी समझा, और ये काफ़ी अफोर्डेबल थी भी उस टाइम पे उन लोगों के लिए। बट आप सोच रहे होंगे कि इतनी फेमस क्यों हुई, अगर सिविलियन वर्जन है तो सस्ती होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये $100,000 की थी, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं आज के टाइम पे, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा थे। आप ऐसे समझ लो कि इतनी फेमस थी कि 1999 से लेकर 2000 तक टोटल 32 मूवीज बनी थी इसको लेके, मतलब उसमें फीचर हुई थी ये सिर्फ एक साल के अंदर 32 मूवीज, और इसकी पीक सेल थी 71,500 अप्रॉक्सीमेटली 2006 के अंदर। मतलब ये इतनी महंगी होने के बावजूद, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी होने के बावजूद भी इसकी इतनी ज़्यादा सेल थी। एक्चुअली में लोगों ने इसको ना जी वैगन का अपग्रेड समझा था, जी वैगन गाड़ी जो थी। तो आप सोच रहे हो इतनी फेमस गाड़ी थी तो ये आज के टाइम में मार्केट से बाहर क्यों है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके फॉल के बारे में, कि ये क्यों फेल हुई और आज के टाइम में मार्केट में क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था इसकी माइलेज वगैरह। इसकी माइलेज जो थी वो थी सिर्फ 4 से लेकर 6 किलोमीटर पर लीटर। समझ लो, अब ये सिर्फ 4 से 6 किलोमीटर चल पाती थी जब ये नहीं हुआ करती थी, मतलब थोड़ी पुरानी हो गई तो उसके बाद थोड़ी और कम माइलेज देती होगी। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये माइलेज इतनी कम देती थी, इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, और जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट थे वहाँ के, वो बहुत नाराज़ थे इससे कि यार ये बहुत पॉल्यूशन करती है। तो इसके लिए प्रदर्शन होने लग गए वहाँ पे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी सारे लोगों ने गाड़ियाँ जलाई इसकी। मतलब जो डीलरशिप्स थे वो परेशान हो गए थे कि ये उनकी गाड़ियाँ जो थी वो जला दी जाती थी उन पे, मतलब पेंट खराब कर दिया जाता था, स्क्रैचेस मार दिए जाते थे उसके ऊपर पेंट करके, मतलब पॉल्यूशन मेकर ऐसा कुछ दिया जाता था। तो इसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा मतलब व्हीकल्स को डैमेज हो गया था, उनके मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसको लेके ये तो एक प्रॉब्लम थी ही थी। उसके बाद इराक वॉर छिड़ गई, जिसमें अमेरिका फाइट कर रहा था इराक से, उसमें क्या हुआ कि उसकी वजह से पेट्रोल प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए, और पेट्रोल प्राइस बढ़े तो जो लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे थे, जो माइलेज को मतलब इग्नोर करके आगे बढ़ रहे थे, वो भी नहीं कर पाए। और इससे दो चीज़ें हुई, पहला तो इन्वायरमेंटलिस्ट पहले से भी नाराज़ थे कि ये बहुत पॉल्यूशन करती है, तो इस चक्कर में कि सेल्स भी बहुत ज़्यादा कम होने लग गई धीरे धीरे। और जो आखिरी जो चीज़ थी जिसकी वजह से ये आज के टाइम में मार्केट में नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ थी वो 2007-2008 का रेसेशन।
मतलब उस टाइम पे मार्केट पूरी मंदी पे थी, पूरा ग्लोब जो था मंदी में था और लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी थी, लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से ये एक लग्जरी की गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका था लोगों के लिए। और आखिरकार 2009 में जाके इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इस कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। तो इसी तरीके से आज के टाइम पे ये रोडों पे आपको नहीं दिखती हमार, ना ही यूएसए में दिखती है, ना इंडिया में, ना ही कहीं और, ठीक है। बट इसको बचाने की कोशिश की गई, जो इसके पेरेंट कंपनी थी उन्होंने सोचा इसको बेच देते हैं किसी चाइनीज कंपनी को, बट उस टाइम पे चाइना भी एक वॉर चल रही थी पॉल्यूशन के खिलाफ, तो इस कंपनी ये कंपनी चाइना में भी नहीं बिक पाई। तो गाइज ये तो इसकी मतलब पास्ट की है, मतलब कैसे बंद हुई, कैसे ये फॉल हुई, कैसे इसका राइज हुआ। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं इसके फ्यूचर के बारे में, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसे ये आगे अब फ्यूचर में आ सकती है दोबारा कि नहीं आ सकती। तो गाइस रिसेंटली जीएम ने इसका एक ट्रेलर लॉन्च किया है यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने हमर ईवी लॉन्च करी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो की है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और काफ़ी बड़ी गाड़ी जैसे पहले हमर हुआ करती थी उसी टाइप की लग रही है, बट इस टाइम भी इलेक्ट्रिक में है, तो मे बी अब कोई प्रोटेस्ट नहीं होने वाले इसके खिलाफ, बल्कि ये अच्छा है कि ये ईवी में लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है वो ईवी ही होने वाला है, पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही होने वाला है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, और जो लाइक का बटन है उसको भी दबा देना, ताकि मैं भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए, आपको एंटरटेन करता रहूँ।